हेलो शन, तो देखिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन बेसिक है, इजी ही होगा। इसमें क्या है कि देखिए, एक रेजिस्टेंस ऐसे, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पे बैटरी, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इसमें और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मतलब इधर से भी जुड़ सकता है, ऐसे भी जुड़ सकता है, बहुत सारे इसमें कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ये जो कॉर्नर है वो एक रेजिस्टेंस से एक बैटरी जोड़ के इस वाली से जोड़ दिया, इसमें भी कुछ भी हो सकता है, और इस रास्ते में भी बैटरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो जो करंट I1 होता है ये जीरो के बराबर आता है, आपको ध्यान रखना। ऐसा कहीं भी स्ट्रक्चर जाए और एक ही वायर से अगर कनेक्ट हो, एक ही वायर अंडरलाइन है, अगर एक ही वायर से एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से कनेक्ट किया जाए, वन बॉक्स इज कनेक्टेड बाई सेकेंड बॉक्स, अगर इस बॉक्स को इस बॉक्स से एक वायर से कनेक्ट किया जाए, तो इस वायर में जो करंट I1 होता है ये जीरो होता है। रिपीट कर रहा हूँ, दिस विल बी जीरो, ये आपको ध्यान रखना। अगर एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से एक सिंगल वायर से कनेक्ट करोगे तो कोई पूछे इस सिंगल वायर में करंट कितना होगा, आंसर इज जीरो। प्रूफ कर दो, देखो कैसे। मान लो इसी से प्रूफ कर दो, इधर से करंट आप आई निकालिए, करंट आई जाएगा। इधर से अगर आई जा रहा है और इधर से आई वन आ रहा है, मान लीजिए आई वन अभी जीरो नहीं है, इधर से अगर आई वन आ रहा है, इधर से आई जा रहा है, तो इसमें कितना फ्लो करेगा, आई प्लस आई वन फ्लो करेगा, टिकट टू किच ऑफ, इधर से आई प्लस आई वन आएगा, आई प्लस आई वन आएगा, आई प्लस आई वन, अच्छे तो आई है, इसका मतलब आई ही बेसिकली आई प्लस आई वन के बराबर है, क्योंकि ये तो रास्ता एक ही है ना, तो जो करंट इसमें वही करंट इसमें, यहाँ से आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा और आई वन क्या आएगा, जीरो। कर लिए प्रूफ, इस I1 को जीरो होना ही पड़ेगा, मतलब इस करंट को जीरो होना ही पड़ेगा। इसका मतलब एक बॉक्स अगर दूसरे बॉक्स से कनेक्टेड है बाय अ सिंगल वायर, अंडरलाइन अ सिंगल वायर, देन करंट इन दिस वायर विल बी जीरो। गॉट इट? सिंगल वायर से कनेक्ट है तो उस वायर में करंट क्या आएगा, जीरो आएगा। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे और इसको नोट भी कर लेंगे, लिख लीजिए इस चीज को। इफ अ बॉक्स इज कनेक्टेड विद अनदर बॉक्स विद द सिंगल वायर, then current in this single wire will be zero, okay? अब आते हैं इस डायग्राम पे। इसमें क्या है, ये भी एक बॉक्स है, एक सिंगल वायर से करंट हुआ, अर्थिंग हुई है, इसे देख रहे ध्यान रखेंगे कि अगर एक बॉक्स एक वायर से विथ अर्थिंग कर दी जाए, इसमें जो करंट फ्लो करता है I, this is also zero। अगर एक वायर होगा तो करंट जीरो आएगा। रिपीट कर रहा हूँ, करंट जीरो आएगा। इस दो डायग्राम को आप याद रखेंगे, इसको प्रूफ कर सकते हो कैसे, देखो लेट्स, इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो ऐसे I1 फ्लो कर रहा है, ऐसे I1 आ रहा, फिर यहाँ ब्रांच बना, तो इसमें मान लो I2, मान लो I2, तो इसमें कितना फ्लो कर रहा होगा, इसमें I1 माइनस I2, इधर से I1 आ रहा, इसमें I2 गया, इसमें आई वन माइनस आई टू जाएगा, फिर देखिए इसमें आई वन माइनस आई टू, इसमें आई टू, अच्छा, और इधर कितना जा रहा है, इधर आप मान लो भी आई जीरो नहीं, इधर आई जा रहा है, इसका मतलब इधर से जो करंट आ रहा है वही तो इधर जाएंगे, तो इधर से आई टू आया, इधर से आई माइनस आई टू आया, तो टोटल कितना करंट आया, टोटल जो करंट आ रहा है इसके हम लिखो आई वन माइनस आई टू प्लस आई टू, ये आने वाला करंट है, ये करंट, ये करंट आने वाला है, तो जाने वाला करंट है, तो जाने वाला आई वन है और इधर जाने वाला आई है, देखिए आई टू से आई टू कटा, आई वन से आई वन कट गया, आई बोल क्या प्रूफ हो गई, जीरो। इसका मतलब इसमें करंट जीरो जाएगा, ये डायग्राम ऐसे ही तो है, ठीक है? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब मैं इस चीज़ को हटाता हूँ, याद करने के लिए जो आप डायग्राम बनाएंगे उसमें इतना शो करने की ज़रूरत नहीं है, बेकार में आप कन्फ्यूज हो जाओगे, आप कन्फ्यूज होना गलत बात है, कम पढ़ो बट कंफ्यूज मत हो, ये जरूरी है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, तुम समझदार नहीं हो, इस चीज को ध्यान रखें। स्पेशल प्रॉपर्टीज है आप ध्यान रखें, तो इस दो डायग्राम को अलग से बना लेंगे कि अगर एक वायर से चाहे आप अर्थिंग करें या एक वायर से किसी दूसरे बॉक्स को कनेक्ट करते हैं, देन करंट इन दैट अ सिंगल वायर मस्ट बी जीरो। ओके गुड,
चलिए कुछ और डायग्राम बता दूँ। तो इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स से है, एक बॉक्स से है, बट यहाँ पे दो वायर से कनेक्टेड है, इस वायर से, इस वायर से। इसमें क्या होता है ना कि अगर इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है और इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है, ये करंट है इसमें, ये करंट है इधर, डायरेक्शन उल्टा होगा, तो इससे होगा आई वन इक्वल्स टू आई टू, ये होल्ड करता है। मतलब इस बॉक्स से जितना करंट निकल के इधर जाएगा, इस बॉक्स से उतना ही करंट निकल के फिर वापस आएगा, डायरेक्शन भी सेम नहीं होगा, उल्टा होता है। प्रूफ कर सकते हैं किरचॉफ के सहायता से, जैसे मैंने प्रूफ किया था ना वैसे कर सकते हैं। इससे भी देखो, इस बॉक्स से एक वायर ऐसे कनेक्ट है, एक वायर इधर अर्थिंग है, तो अगर इधर से करंट आई वन फ्लो कर रहा है, आई वन अर्थ में जा रहा है, तो फिर अर्थ से होके इसमें आई वन फ्लो करेगा। मतलब इस बॉक्स से जितना करंट जाएगा उतना ही करंट बॉक्स में आएगा, ये होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता कि इस बॉक्स से सिर्फ करंट निकलता, पॉजिटिव चार्ज निकलता, तो कुछ समय बाद न्यूट्रल हो जाता, न्यूट्रल नहीं होता है, न्यूट्रल कह रहा हूँ, चार्ज हो जाता, जबकि सच में ये न्यूट्रल है, शुरू में हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा। तो जो चार्ज है आफ्टर स्टडी स्टेट वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो इधर से अगर करंट निकल रहा है तो ऐसे करंट होकर आ रहा है, ध्यान। मतलब अगर दो वायर से, अगर दो बॉक्स कनेक्ट है, तो दोनों वायर में करंट मैग्नीट्यूड में सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। किसी एक बॉक्स को दो वायर से अर्थिंग कर दिया, तो एक वायर से करंट जा रहा होगा, तो दूसरे वायर से उतना ही करंट आ रहा होगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इससे बेस होकर एक सिंपल सा क्वेश्चन करें, ठीक है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्ट्रक्चर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बताइए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। और ये क्वेश्चन एक्चुअल में करा ही जाता है बेसिकली, तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चूंकि ये बॉक्स इस बॉक्स से एक सिंगल वायर से कनेक्टेड है, ये बॉक्स इस बॉक्स से एक सिंगल वायर से कनेक्टेड है, इसका मतलब उसमें करंट क्या होगा, जीरो। तो इसमें आप करंट जीरो दिखाइए, करंट जीरो। अच्छा मुझे बताओ, अगर इसमें करंट जीरो फ्लो कर रहा है, लिख दिया, अगर करंट जीरो फ्लो कर रहा है, फिर इस बॉक्स से तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अगर ये वायर नहीं भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वाला बॉक्स अलग हो गया, और अगर यहाँ से वायर हटा दूँ, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो ये बॉक्स अलग हो गया। तो फिर इस बॉक्स में जो करंट फ्लो कर रहा होगा, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दिस बैटरी, EMF करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। तो पूछिए ये वाला करंट आई वन है, तो आई वन कितना होगा, दिस इज 40 वोल्ट EMF सर्किट का, रेजिस्टेंस टोटल 40 ओम, करंट इज 1 एम्पियर। सिमिलरली ये जो बैटरी से करंट फ्लो कर रहा होगा इस तरीके से, अगर करंट आई टू है, तो इस सर्किट के EMF क्या है, 60 वोल्ट, एंड डिवाइड बाई इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या है, 15.5, 20, 3 एम्पियर। तो इस सर्किट में 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और इस सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब वापिस इसको मिला दीजिए, आप कह रहा है कि बताइए इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको याद है, इसको बताने के लिए मैंने क्या किया था, कहा था ना करंट डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस लिखेंगे, बैटरी के प्लस प्लेट को पहले टच करेंगे तो प्लस लिखेंगे, अपोजिट को माइनस, टेक द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या करंट के उल्टा जा रहा हूँ, हाँ करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, मैं उल्टा जा रहा हूँ, -10 इंटू इस वाली ब्रांच में करंट कितना है, I1 1, फिर ऐसे घूमते हुए ऐसे आ रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे करंट है जीरो, तो 0 × 5, फिर प्लस प्लेट को टच किया तो +5, फिर ऐसे घूम के ऐसे आ जाओ, इस तरीके से बी तक जाना है या ऐसे जाओ, तुम्हारी मर्जी है, ऐसे आ जाओ। तो बैटरी के प्लस प्लेट को पहले टच किया तो 60, अब सीधे आ गया यहाँ पे, हो गया कंप्लीट आंसर, अब यहाँ से आ गया, यहाँ से -10 ये आएगा, देखो ये 5, ये 65, 65 और -10, इट इज 55 वोल्ट, एंड दिस इज आंसर। तो इस तरीके से मैंने क्या कैलकुलेट किया, नहीं दिख रहा है, 55 वोल्ट इज आंसर।